हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। 10 जून 2021 को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसका क्या टाइमिंग है, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, सूतक काल कितना टाइम में स्टार्ट होगा और गर्भवती महिलाएं क्या ध्यान रखें, कब खाना खाएं, क्या ना करें, वही सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 10 जून 2021 को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। इंडिया में वो खाली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, वो भी आंशिक रूप से। तो वैसे तो ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन जबकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडी क्या करें और ग्रहण का क्या टाइमिंग है, तो 10 जून 2021 बुधवार को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका स्टार्टिंग समय है, स्टार्ट होगा दोपहर में ये 1:41 पे और ख़त्म होगा 6:42 पे, तो 1:41 PM से 6:42 PM तक, टोटल 5 घंटे का है। तो गर्भवती महिलाएं क्या करें, ग्रहण लगने से पहले खाना खा लें, उनका लंच कर लें, और जो लोग वर्किंग लेडी हैं वो काम पे जा सकते हैं, तुलसी का पत्ता एक ले लीजिए मुंह में। और वैसे तो बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी, इनको एक्सेप्शनल केस में माना जाता है। तो प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारा हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन है, जैसे छुरी चाकू नहीं यूज़ करना चाहिए, बाथरूम नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए 5 घंटे पूरा ग्रहण के दौरान, जितना भी अभी ग्रहण में 5 घंटे का ग्रहण है उसमें नहीं खाना चाहिए। तो जबकि आप गर्भवती हैं तो इसीलिए आपके लिए ये छूट है, तो आप पूरा 5 घंटा आप सो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप साइंटिफिकली लें या आप बिलीव के हिसाब से लें तब भी आप सो सकते हैं, और पूरा 5 घंटा भूखा नहीं रहना है, क्योंकि लंच आप किए होंगे 1 बजे से पहले, तो आप ड्राई फ्रूट्स हुआ या बिस्किट हुआ ये सब आप खा सकते हैं, मुरमुरा ये सब खा सकते हैं, जितना ड्राई वाला खाना है। जो पका हुआ खाना ग्रहण के टाइम आप खाना बना के नहीं खा सकते, क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर आप जाएं तो जो विकिरण आता है ग्रहण के दौरान वो बहुत पॉइजनस होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बोला जाता है ग्रहण के टाइम खाना नहीं बनाते। तो आप खाना नहीं बना सकते 5 घंटा, लेकिन जो पहले से बना हुआ है जैसे स्टोर फूड, जैसे आपका कोई डब्बे में रखा हुआ बिस्किट हुआ, मिक्सचर हुआ, ये सब आप आराम से खा सकते हैं। 5 घंटा बिल्कुल भूखा नहीं रहना है, 2-2 घंटे में खाना है, पानी पीना है, जूस पी सकते हैं। और जो छुरी चाकू वाला है वो भी बेटर है, छुरी चाकू से दूर रहें, हाथ कटने का चांस रहता है उतना ही। जो बोलते हैं बच्चे का कट जाता है, बच्चा ऐसे कटा हुआ उसका थोड़ा सा हाथ या नाक, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप तुलसी का पत्ता लेके रखें, ये भी बहुत एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है तुलसी के पत्ते में। और उस टाइम आप भगवान को याद करें, मंत्र ओम का मंत्र जाप कर सकते हैं, यही सब आप फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।